शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हुजरात रोड पर स्थित एक मेडिकल की दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर करीब 5 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। चोर आधी रात को दुकान में छत के रास्ते से घुसे थे और उन्होंने गले का ताला तोड़कर उसमें रखे 5 लाख रुपए उड़ा दिए। यह दुकान किन्हीं प्रमोद अग्रवाल की बताई जाती है, जहां पर दवा का थोक और खैरची का कारोबार होता है। बीते रोज वह दुकान बंद करके घर चले गए थे, तभी आधी रात को गली के रास्ते चोर उनकी दुकान की छत पर पहुंचे और सेंध लगाकर दुकान में घुस गए। प्रोपराइटर प्रमोद अग्रवाल दिन भर की सेल का पैसा गले में छोड़ गए थे, जो अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चुरा लिया, जहां पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों के सुराग देही में जुट गई है और उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। दूसरा कोतवाली थाना क्षेत्र में 5 लाख रुपए की चोरी हुई है, क्या प्रमाण? जी, कल रात को, परसों रात को, दरमियानी रात को दवाइयों की दुकान है, वहाँ पर एक प्रमोद संचालक हैं इसके, उनके दवाइयों के दुकान में गले में पैसे रखे हुए थे, छत के रास्ते से अज्ञात चोर आके वो चुरा ले गए पैसे। सर, कोई सीसीटीवी वीडियो में मिल पाया अभी तक? पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी की फुटेज से खोज की जा रही है। लगभग कितना पैसा था गले? 5 लाख रुपए का। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।